के साथ। अच्छा है, ये छोटा सा प्यारा बच्चा है। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। तो आज का सीन ये, आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश और उसके बाद केदारनाथ। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, अभी थोड़ी सी और प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो गई है, देखते हैं क्या होता है। जाना तो है ही केदारनाथ, तो मैं चलते चलते सीन बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या रहा मेरा। सीन कुछ इस प्रकार है कि पहले कार से जाने का सोचा, फिर कार का फाइनल हुआ तो जने ज़्यादा हो गए, फिर हमने सोचा कि अब कार छोड़ते हैं, बाइक से चलते हैं। फिर हमने बाइक का प्लान किया तो हमारे जो भैया श्री हैं वो सोते रह गए, तो अब मैंने फाइनली सोचा कि जाना तो मुझे है ही, तो फिर मैं किसी और पर डिपेंड ना रहकर अपने ऊपर चलता हूँ। तो मैं अब बस और ट्रेन से केदारनाथ पहुँचूँगा, पूरा बताऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई, ए टू जेड। यहाँ से शुरुआत हो रही है मेरे इस ब्लॉग की। किसी पे डिपेंड नहीं होना इतना तो मेरे को पता था और अच्छे से पता चल गया, बस यार बैकअप नहीं बनाया था, सो एक पे डिपेंड हो गया था सारा। लेकिन अब ये गलती नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ट्रैवल के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत है, मैं अकेले में भी खुश रहता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है मैं जब लोगों से मिलता हूँ नए। सो निकलते हैं यहाँ से, जैसे जैसे पहुँचेंगे वो आप देखना कैसे कैसे पहुँचते हैं केदारनाथ। तो फाइनली गाइस, मेरे को मलयालम का एक फ्रेंड मिला है जो कि कहाँ रहता हूँ भाई, केरला में रहता है, ये भी यूट्यूबर है मेरा भाई। नाइस टू मीट यू। और मलयालम में भी हाय हेलो कुछ बोल के दिखाएंगे। या हेलो नमस्कार, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम गोइंग टू ऋषिकेश देन टू केदारनाथ से जा रहे। ये भाई का पूरा सेटअप है, केरला का है भाई मेरा, पूरा ट्रेन खाली है। उनसे मिला, वो ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल नहीं करते, बट वो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, वो दो जने ट्रैवल करते हैं, मतलब आधा इंडिया वो घूम चुके हैं, उनने आधा इंडिया कवर कर लिया। मज़ा आया यार उनसे बात करके, तखड़े वाले ब्लॉगर लग रहे थे। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हिचैकिंग है। सीन ये हुआ तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता, मतलब मैंने कोई प्लान नहीं किया था, फिर मेरे साथ कांड हुआ यार, कांडों से तो मैं भरा पड़ा हूँ, सारा प्लान हो गया था, एंड में रेड लग गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की वजह से मेरा कैंसिल हो जाए, क्योंकि रुकना तो कभी सीखा ही नहीं है यार। चलो वो तो बात अलग हो गई, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बस नहीं मिल रही है, बस 5 बजे से स्टार्ट होगी सुबह को, एक बस जाती है पूरे दिन में, वो भी ऋषिकेश से 5 बजे, तो देखभाल के आना। तो फाइनली मेरे को एक और लिफ्ट मिली है, ये भैया ने लिफ्ट दी है, देवप्रयाग तक जा रहे हैं भैया, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, पता नहीं क्या क्या आएगा, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं है, देखते हैं चलते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 3-4 लिफ्ट ले लिया मैंने, शाम तक शायद पहुँच जाऊँ, पहुँचे तो बढ़िया है। मतलब मैंने सोचा था, मेरी प्लानिंग कुछ और थी, मैं सोचा हरिद्वार से बुलेट वगैरह या नॉर्मल कोई बाइक वाइक ले लूँगा, फिर मेरे को याद आया यार मेरे पे लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस की वजह से तो बाइक से नहीं जा पा रहा है। नहीं तो फिर बाइक तो हो ही जाती मुरादाबाद में भी, लेकिन प्लानिंग कुछ और की थी। फिर उसके बाद लिफ्ट वगैरह लेना स्टार्ट किया, लिफ्ट लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और लिफ्ट लेके ही आगे तक जाऊँगा, तो पूरा लिफ्ट वाला बना लिया मैंने। हाँ सस्ते में फ्री में चल रहा है सिस्टम, अब आगे देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, पहुँचेंगे केदारनाथ आज ही, पहुँचेंगे हम सोनप्रयाग, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी हम रास्ते में हैं, रास्ते में कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं, यहाँ पर श्रीनगर तो पहुँचने वाले हैं लगभग, देखते हैं रात कहाँ रुकते हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट डे होगा। मज़ा तो आ रहा है यार, मतलब देखो भाई लोगों, मतलब एक सफ़र होता है ना कि मज़ेदार सफ़र, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं फील तुम्हें बता नहीं सकता क्या सफ़र कर रहा हूँ। ये हमारे भैया कुछ बोलिए। हेलो गाइस। ये भैया और मैं, मतलब बिल्कुल मजे से जा रहे हैं, फुल मस्ती भाई, फुल मस्ती, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से कहाँ तक की लिफ्ट मिली, मतलब मैं देख प्रयास तो मजे से आराम से पहुँच जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद भैया बोल रहे हैं आगे छोड़ने को, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं भैया आपका काम नहीं है, तो आप जहाँ तक मुझे छोड़ सकते हैं वहाँ तक मुझे छोड़ दो। तो फिर मैं देवप्रयाग तक जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या रहता है, थोड़ा बहुत करते हैं। क्या खड़ा रास्ता है यार ऊपर, तो लग
यहाँ पे गर्मियाँ बहुत हो रही है, ड्राइव बहुत गर्म है। भैया ने और लिफ्ट दी है, देखो हमारे साथ 3 लोग और जुड़ गए फिर और मजे करते हुए हम लोग निकल गए। भैया के साथ सफर का पता नहीं चला, बहुत अच्छे भैया मिल गए थे, मतलब टू गुड यार, मज़ा आ गया उनके साथ, बहुत बातें की। और वो ऑफिसर थे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब वीडियो थे वो, और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ घूम के। यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया है, अब आगे चलते हैं। बस तो मिलेगी नहीं क्योंकि बस नहीं चल रही है, बस सुबह को एक चलती है बस, उसके अलावा बस कोई नहीं चलती। तो आप ध्यान से आना क्योंकि बस नहीं मिलेगी आपको। भाई साहब कुछ नज़ारा है यहाँ का, वो तो अभी केदारनाथ नहीं आया, कितना बड़ा पहाड़ है भाई साहब। कोई नहीं, केदारनाथ सुन, ये देवप्रयाग है, नहीं शायद रुद्रप्रयाग है, पूरे पहाड़ से घिरा पड़ा है तुम्हारा भाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये यहाँ से ये बिल्कुल सड़क जा रही है, इस सड़क से ऐसे जाके 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 वहाँ तक जाना है, और ये गंगा रिवर है। वाह, चलो देखते हैं आगे कोई और पॉइंट मिलता है तो। रास्ते का नज़ारा कुछ यूं है, देख सकते हो तुम लोग, अलकनंदा नदी है भाई, हो मुझे भी नहीं पता थी। सो गाइस मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ श्रीनगर तक, भैया ने मेरे को छोड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छी राइड रही। अब भैया मेरे बारे में अपनी कोई टिप्पणी देंगे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भैया के साथ, अब भैया बताएंगे भैया आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा नकुल के साथ, अच्छा है, ये छोटा सा प्यारा बच्चा है और इसकी बातें थी बहुत रोचक बातें करता है वैसे एक्चुअली। भैया मुझे बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा बच्चा है, बेस्ट विशेस दे रहा है इसको कि ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए और केदारनाथ भगवान के दर्शन हो जाए इसका। थैंक यू सो मच टू ऑल गाइस, लाइक शेयर कमेंट भी बोल देता लाइक इस चैनल को जरूर, हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर भेजिएगा। बाय बाय। ठीक है भैया मैं पहुँच जाऊँगा आगे तक, ठीक है। ऐसा रहता है मेरा सफ़र, मज़ेदार था, नए नए लोग मिलते हैं यार, मतलब आप तो मेरी खुशी इसी सब में यार, मुझे बड़ी खुशी मिलती है ये सब करके, एक नए लोगों से मिलना और उनसे पूरे सफ़र में बातें करते हुए आना, और फिर उसके बाद वो अनजान हो जाते हैं, एक मतलब एक भाईचारा, मतलब एक बॉन्ड रह जाता है, बाकी वो अनजान हो जाते हैं। लेकिन मैंने भैया से बोला, भैया मेरे से जुड़े रहना, कमेंट करना। दो भाई लोग बहुत अच्छे मिले हैं मेरे को अभी तक, बाकी सब अच्छे थे, लेकिन दोनों से ज़्यादा मेरी अच्छी बॉन्ड रहा। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। भाई लाइक ठोको ठोको ठोको, भैया तो मेरे को और आगे छोड़ रहे थे, मैंने भैया से मना कर दिया। अभी श्रीनगर में हूँ और सबसे मज़े की बात पता है क्या है, एक रुपया खर्च नहीं करा है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बस नहीं मिली तो क्या करता यार, खुद बताओ। बैग थोड़ा सा और भारी हो गया है क्योंकि मैंने अभी 1 किलो अंगूर ले लिए और आधा दर्जन केले रास्ते में खाता हो जाऊँगा। ये भैया की शॉप है, इन भैया से अभी मैंने लिए हैं। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ श्रीनगर से, देखते कहाँ तक जाते हैं। तो हमने यहाँ तक लिफ्ट ले ली है, तो हम एक भैया का काम करा रहे हैं, मेरे पीछे भैया देख रहे हैं इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं एक और रिलेशन बना लिया मैंने, अच्छा हेल्दी रिलेशन। तो मैं भैया का थोड़ा बहुत काम में हेल्प कर रहा हूँ, रुका हुआ हूँ यहाँ पे। अभी अभी भैया ने मेरे को बताया कि ये धारी देवी टेंपल है, बहुत ज़्यादा फेमस टेंपल है यहाँ का। कौन आता भैया यहाँ पे, जितने पॉलिटिशियन है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, नदी के बीचों बीच में है ये मेन रास्ता है धारी देवी जाने का, यहाँ से धारी देवी के लिए जाते हैं। स्टोरी बताई, बहुत अच्छी स्टोरी लगी मेरे को, आप भी सुन लीजिए। आपको भी सुनाना चाहता हूँ मैं ये स्टोरी जो केदारनाथ से रिलेटेड है। कहाँ पे होती है पांडव लीला? ये रुद्रप्रयाग और चमोली में, दोनों जनपदों में, रुद्रप्रयाग और चमोली में, चमोली रुद्रप्रयाग और चमोली के गाँव में, जो ये जिले है ना, दो जिले, इसलिए भोलेनाथ जो है इतनी ऊपर आए यहाँ
तपस्या करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ था जी, उन उसमें जो है पांडव जब जब पांच भाई पांडव थे वो इसी यहीं से जीते थे। अच्छा। जन्नत से पहले नज़ारा तो देख लो, ये कुछ नज़ारा है। ओ भाई क्या ही नज़ारा है, ये कुछ नज़ारा है। देखते हैं स्टे कहाँ होता है मेरा, मुझे लग रहा है कि इससे आगे नहीं जा पाएंगे हम। ये लिफ्ट भी ठीक रही, भैया ने स्टोरी बताई केदारनाथ से रिलेटेड, बड़ा अच्छा लगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे जन्नत की ओर, आई होप जन्नत जल्दी मिल जाए। आज तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन कल केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, बस और क्या चाहिए। दो भाई लोग मेरे सब्सक्राइबर ये मेरे को यहाँ केदारनाथ ये नहीं जा रहे, ये बस मेरे को छेड़ रहे कहते तो भाई कैसे पहुँचे हो यहाँ तक। अब मैंने क्या बताऊँ कैसे पहुँचाओ। हाँ बहुत चलते चलते बहुत मुश्किल रहा यार, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन पहुंच गए यहाँ तक। अब आगे और देखते हैं मौसम कैसा लग रहा है यार। मौसम बहुत शानदार यार, बड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है। ओले भी तो पड़े केदारनाथ में, बर्फ पड़ी थी, बर्फ पड़ी, ओले पड़े बहुत खतरनाक। चलो हम देखते हैं, गुप्त काशी पहुँचते हैं, उसके बाद दोस्त मिलते हैं, फिर उसके आगे आएंगे। भाई दो सब्सक्राइबर और, दोनों भाइयों ने दो और करवा दिए। मुझे नहीं लगता आज मैं गुप्त काशी पहुंच पाऊंगा, लेकिन ऐसा चलता रहा तो जरूर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप पहुंचूंगा यार। बोल रहा भाई प्रैंक तो नहीं कर रहा। नहीं यार डाल दूंगा। अब बुलेरो की बारी आई, जीप की। अब हम जीप से जाएगा। अभी तुमको ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट कैंपिंग थोड़ी ऐसी रही। और अब हम जाएंगे केदारनाथ,